देखो आप सब बच्चे जरा ध्यान से, असल में क्या है, ये आपके 5 टॉपिक हैं और हम 5 के 5 ही कंप्लीट करेंगे। फिर जब आप इसको पढ़ रहे हो, हमारा क्या है, ये है परसेंटेज, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन आपका इसी में से बनता है, बेसिक परसेंटेज। जैसा मैं आपसे कह दूं, सिंपल, व्हाट इज 20% ऑफ 150, बस इतना सा। तो ये हमारा परसेंटेज के ऊपर है। या मैं आपसे कह दूं, 15% ऑफ ए नंबर इज 20, व्हाट इज द नंबर? तो एक तो ये चीज है बेसिक, सिंपल परसेंटेज पे। दूसरा हमारे पास क्या होगा, इसी पे हमारा बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ये आएगा इसी बेसिक परसेंटेज से। तीसरा, इसी पर प्रॉफिट लॉस में एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, डिस्काउंट। और फिर इसके बाद 2 अलग टॉपिक है, लेकिन है वो भी परसेंटेज के ही। एक है सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये बेटे 5 टॉपिक हैं और पांचों एक तरह से परसेंटेज ही है। तो ये दोनों, पहले दोनों टॉपिक आप देख लीजिए। एक तो आप सब बच्चे ध्यान रखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ये नंबर दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, इस टाइम जो हमारे पास 0 है वो, इस टाइम जो हमारे पास 0 है वो यहाँ है, डेसिमल यहाँ है, तो इसको हम कहेंगे 100%। बहुत सिंपल लैंग्वेज। अगर हम बेटे डेसिमल को यहाँ लगा दें तो ये हो जाएगा 10%। अगर इस डेसिमल को हम यहां लगा दें तो ये हो जाएगा 1%। ये तो मैंने जानबूझ के नंबर ही इतना टिपिकल सा लिया है, अदरवाइज नंबर तो हमारे पास 200, 500, 300 होते हैं। तो अब अगर मैं आपसे 20% पूछूं तो क्या आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो? 2% ओनली, 32 का डबल 64, 65 का डबल 130, तो 65 रुपीज 30 पैसे नियर बाई होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अगर मैं आपसे पूछूं 20%, तो आप 326 का डबल कर देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 15%, तो 326 प्लस इसका 5%, यानी कि हाफ। आ रहा है समझ में? तो फिर हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ कैलकुलेशन हमें दिमाग में रखनी। जैसा मैं अब आपसे पूछूं, मैं अब आपसे वैसे ही छोटा सा नंबर लेके पूछूं, मैं आपसे ऐसे सिंपल सा नंबर पूछ लूं कि भाई ये हमारे पास नंबर है, सपोज को जैसे मैं आपसे कह रहा हूं 500, ठीक है, तो 500 का 20% क्या होगा जी बेटे? 100 होगा बेटे, ठीक है। 500 का 20% जस्ट 100 होगा। अब मैं आपसे अगर कहूं कि भाई 10% होगा 50, 1% होगा 5, अब अगर हम आपसे कह दें 25% बताओ, तो 25% इसका जस्ट 1/4 भी हो जाएगा, आप जैसे भी कैलकुलेट करना चाहो। अब दूसरी चीज होती क्या है, आपसे कहता है इफ वन नंबर इंक्रीज्ड 20%, इट बिकम्स
ठीक है, इट बिकम्स, सपोज करो मैं आपसे कह दूं 250, व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर, या मैं 600 कह दूं उसको, थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए. इफ वन नंबर इंक्रीज 20%, इट बिकम्स 600, व्हाट इज द नंबर, ओरिजिनल नंबर, मतलब पहले नंबर जो था उसमें 20% बढ़ाया तब 600 हुआ, तो ओरिजिनल नंबर क्या था ये आपसे पूछ रहा है. तो हम करते क्या है, इधर देख लीजिए, हम करते ऐसे हैं कि सपोज नंबर हमारा एक्स है और इस एक्स का ही 20% इंक्रीज हुआ है, तो आप लिखोगे 20% ऑफ एक्स और तब ये 600 हुआ है, ऐसे ही करोगे ना भाई. हमने नंबर लिया एक्स, उसका 20% इंक्रीज किया तब वो 600 हुआ, फिर हम उसका एलसीएम लेते हैं, ये 100 हो जाएगा, ये 100x यहाँ आएगा प्लस 20x आएगा इज इक्वल टू 600, तो ये हो जाएगा 120x अपॉन 100 इज इक्वल टू 600. तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, 120 अपॉन 100 का मतलब है 120% ऑफ x. तो हम क्या करेंगे, हमने जो ऊपर की लाइन लिखी है इनको स्किप करने की कोशिश करेंगे, मतलब हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो x है और वो कितना है हमें नहीं पता, लेकिन अगर इसमें 20% ऐड कर दिया तो वो 600 हो गया. तब आपको क्या सोचना है कि जो भी नंबर अपने आप में होता है बेटे, इन परसेंटेज वो 100% होता है. अगर उसमें ऐड हो रहा है तो वो 100 में ऐड होगा सीधा सीधा सा, मतलब पहले 100 था, 20% ऐड हो गया, तो नाउ इट बिकम्स 120. और अगर सबट्रैक्ट हो रहा है, अगर उसने कहा होता 20% माइनस किया तो वो रह जाएगा 80%. तो अगर ऐड हो रहा है तो प्लस कर दो 100 में, और अगर माइनस हो रहा है तो सबट्रैक्ट कर दो. जैसा अगर मैं यहीं से कहता कि नहीं 20% सब, तो आप यहाँ माइनस लिखते, फिर आप यहाँ माइनस लिखते, 100 माइनस 20 यहाँ पे 80 आ जाता. तो हम डायरेक्ट कंसीडर करेंगे तो हमारे पास दो तीन स्टेप हमारे बच जाएंगे. तो अब जैसे उसने कहा 120%, तो आप बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. 120% ऑफ x इक्वल्स टू 600, तो 120 से 5 और 5 से 500. आ गया समझ में, डायरेक्ट x आएगा. अब जैसा मैं आपसे कह रहा हूं, इफ ए नंबर डिक्रीज्ड 20%, it becomes 400. What is actual number? What is original number? तो आप एक लाइन में लिखो इसे, हमारा नंबर था 100%, अब उसमें से कम हो गया 20%, तो अब वो कितना रह गया, 80% रह गया. तो 80% of our number is 400. तो 80 से ये कितने टाइम कैंसिल होगा, तो 105 जा कितना आएगा. आ गया समझ में, नहीं आया नहीं. देखो अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपको एक चीज समझ में आ गई, हमसे क्या कह रहा है. यहाँ देखो जरा ध्यान से, मैं इसको दोनों को मिला दूं, दोनों चीजों को. हम किसी चीज को खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है, हम इसको सेल करते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है. अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, तो सीधी सी बात है लॉस हो रहा है. लॉस कितना हो रहा है, हमेशा ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करें. अगर हमारा, अच्छा यहाँ पे भी ध्यान देख लीजिए, लॉस परसेंटेज भी निकाल लेते हैं कभी कभी. तो लॉस परसेंटेज कितना है कि कितना लॉस हुआ है, कितने पे हुआ है. कितने पे का मतलब होता है हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है. तो हमारा इन्वेस्टमेंट जितने में हम चीज खरीदते हैं हमेशा, तो वो कॉस्ट प्राइस होता है इन 200. लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास ये हो कि सेलिंग प्राइस ज्यादा हो कॉस्ट प्राइस कम हो, तो फिर सीधी सी बात है प्रॉफिट हो रहा है. और प्रॉफिट कितना हो रहा है, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस में से. एक सेकेंड, यहाँ हमने गलत कर दिया, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे और नीचे सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस. आपसे पूछा जाए कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है,
तो कितना प्रॉफिट हुआ है, कितने पे हुआ है इन 200, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट नीचे आएगा, ये हमारे पास है। अब जरा इधर देखो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ऑन मेकिंग 20% प्रॉफिट ऑन ए रेडियो, ठीक है, ही सेल्स इट फॉर 1200 रुपीज, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, ये आपसे कहें। अगर ये क्वेश्चन देखेंगे और ऊपर वाला क्वेश्चन देखेंगे जो हमने बेसिक परसेंटेज का बताया वो सेम है। आप क्या कह रहे हो, मेकिंग 20% प्रॉफिट ऑन ए रेडियो, ही सेल इट फॉर रुपीज 1200, तो अब आपके पास क्या है, प्रॉफिट कितना है बेटे, प्रॉफिट कितना है 20%, और आप रेडियो को सेल कितने में कर रहे हो, 1200, तो ये आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ये आपका हो गया प्रॉफिट परसेंटेज, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस, आपको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब फिर वही चीज है भाई, कॉस्ट प्राइस जो भी होगा वो अपने आप में बेटे 100% होगा। अब अगर आप उसमें ऐड कर रहे हो तो वो प्रॉफिट है, और लेस कर रहे हो तो वो लॉस है, तो अब आप ऐड कर रहे हो, कितना ऐड कर रहे हो, 20%, तो वो आपने ऐड कर दिया प्रॉफिट, वही बेसिक पे ले आया मैं इसको, तो आपका प्रॉफिट कितना परसेंट है, 20%, और कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस होता है, यस और नो, तो आपने सेलिंग प्राइस कितने का करा, 1200 का, तो क्या मुझे बताओगे 100% कॉस्ट प्राइस था, 20% प्रॉफिट हुआ, तो आपने उसे कितने में बेचा, 120%, यस और नो, यस, तो ये आंसर है बेटे, बस तो बस ये आंसर है बेटे, खत्म हो गया क्वेश्चन, 1000 रुपए का खरीदा था आपने उसको, आया बेटे समझ में, नहीं आया, तो इतना ही है बेटे, तीन ही चीजें होंगी हमेशा हमारे पास पूरे चैप्टर में, पूरे टॉपिक में, एक होगा कॉस्ट प्राइस, एक होगा सेलिंग प्राइस, या तो हमारे पास होगा प्रॉफिट या हमारे पास होगा लॉस, तीन चीजें होंगी, दोनों चीजें तो पहली होनी होनी है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट लॉस में से एक, ठीक है, अगर हमारा प्रॉफिट है तो प्लस हो रहा है कॉस्ट प्राइस, लॉस है तो माइनस हो रहा है, हाँ थोड़े थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, चलो दो चार क्वेश्चन देखो पहले बेसिक में से भी और प्रॉफिट लॉस में से भी, फिर इंशाल्लाह शाम में भी करेंगे इसको, खत्म हो गया तो दूसरा टॉपिक भी लेंगे। सर इसके नोट्स भेज दीजिएगा अभी क्लास के बाद, बेटे पूरी बुक डली हुई है उसमें, नहीं नहीं ये जो अभी आप पढ़ा, हाँ ये तो मैं भेज दूंगा, ये तो भी भेज, ये तो मैं आपको भी भेज, देखो दो चार क्वेश्चन पहले बेसिक देखो और दो चार क्वेश्चन फिर उससे भी देखो, अच्छा मुझे ये बताओ क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है बिल्कुल बेवकूफों वाले, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखो हमेशा कभी कभी आपसे दे देगा, अगर हमारे पास 5 है और आपसे कह रहा है चेंज इन टू परसेंटेज, तो आपको सीधा सीधा सा मल्टीप्लाई करना है बाय 100, तो 5 इज इक्वल्स टू 5 इनटू 100%, तो 5 इन नंबर्स इज सेम एज 5 इनटू 100%, तो कितना हो गया 500%, लेकिन अगर आपके पास परसेंटेज में दिया हुआ है, आपसे कह रहा है 20% और आपसे कह रहा है चेंज इनटू फ्रैक्शन या नंबर, तो हमेशा ध्यान रखिए डिवाइड करना, डिवाइड बाय 100, तो 20% क्या हो जाएगा बेटे, 20% का मतलब है 20/100, तो डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1/5, कितना आ गया 1/5, अब आप खुद सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि 500% को चेंज करना, तो 500% का मतलब 100 से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा 5, तो अगर आप
नंबर को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो 5 इज 500%, और अगर 500% को चेंज कर रहे हैं दैट इज 5। ये मेरे पास पहली चीज। दूसरी चीज, सम टाइम अगर हमें ये देखना हो कि 20 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 20 केजी, रेशो निकाला था तब भी और यहाँ परसेंटेज निकाल रहे हैं तब भी, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कंपेयर करेंगे दो चीजों को तो यूनिट सेम होनी चाहिए। ये है ग्राम और ये है किलोग्राम, ऐसे नहीं करेंगे। वैसे तो आपको पता है ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं, भाई 20 ग्राम अपॉन 20 केजी इनटू 100, ऐसे निकालते ना परसेंटेज कि भाई मान लीजिए आपके 360 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500, तो व्हाट इज परसेंटेज, तो आप करते हो 360 आउट ऑफ 500 इनटू 100 लाइक दिस, तो हाउ मच फ्रॉम व्हाट इनटू 100, ये आप परसेंटेज का फॉर्मूला है। तो हमें किसका परसेंटेज निकालना है, 20 ग्राम का, किसमें से निकालना है 20 केजी, तो 20 अपॉन 20 इनटू 100 ये नहीं होगा, ये तो 100% आ जाएगा, बट आपको पता है 20 ग्राम इज नॉट द 100% ऑफ 20 केजी, तो आपको दोनों का यूनिट्स सेम करना, या तो आप ग्राम को चेंज करो या केजी को चेंज कर लो, तो हम केजी को ही कर लेते हैं। तो ये केजी को करेंगे तो कितने ग्राम आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब परसेंटेज निकालिए, 20 अपॉन 20,000 इनटू 100, तो 20 से 20 और 20 से 20, तो इस 0 से 0.1 आएगा, तो इसका मतलब 0.1%, तो 20 ग्राम इज 0.1% ऑफ 20 केजी, यस और नो? ठीक है, तो देखो कितना बेवकूफ वाला, एक्चुअली सामने ही बेवकूफ वाला क्वेश्चन आ गया, बट एग्जाम में आता है तो मैंने इसलिए पूछ लिया कि देखूं आप लोग समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। लेवल ऑफ एग्जाम यही रहता है बेटे, छोटा छोटा सा ही डेप्थ हमें आनी चाहिए, बट आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में बेसिक ही रहता है। बताइए शाबाश, इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई, व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स? एक्स इज 80% ऑफ वाई, व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स? कौन बताएगा? शाबाश, वेरी गुड। आप लोग आवाज कम करेंगे, गेट बंद करिए पहले तो। जी बेटे देखो, इस पे बहुत अच्छी बात ये है कि मुझे एक क्वेश्चन और याद आ गया जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता। देखो बेटे, जो कह रहा है पहले तो वो लिखा करो और फिर जो करना है वो करेंगे। आपसे कह रहा है एक्स इज 80% ऑफ वाई। सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, अब हमसे कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ वाई इज एक्स।
तो अगर x का परसेंटेज निकालना है तो आपको ऐसे निकलेगा, x आउट ऑफ y इन 200, यस और नो? x y का क्या परसेंट है ये निकलेगा, ठीक है? और अगर मुझे y का निकालना है तो वो होगा y आउट ऑफ x इन 200, क्या समझ में आ रहा है? y x का कितना परसेंट है वो कैसे निकालोगे, y अपॉन x इंटू 100? तो जरा चेक करो हमारे पास है क्या और हमें करना क्या है। तो हमारे पास है x इज इक्वल टू 80% ऑफ y, ये मतलब। तो हमारे क्या चाहिए, हमें चाहिए y अपॉन x, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको इधर लाओ और ये 180 इधर डालो, तो आपके पास आएगा 100/80। इसको फिर मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, y अपॉन x, ठीक है? परसेंटेज निकालने के लिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सही है? y अपॉन x परसेंट, तो 100 चाहिए, तो ये आ गया y परसेंट ऑफ x। इसको आप लिखोगे राइट वाले को y परसेंट ऑफ एक्स, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आनी है, वैल्यू आनी है जब ये लेफ्ट वाला, जब आप ये लेफ्ट वाला सॉल्व करोगे तो जीरो से, तो ये आ गया 1000, जीरो से जीरो सॉल्व करो, 1000/8 कितना होता है, ठीक है, ये होता है 125, कितना होता है 125, तो इसका मतलब 125%। तो एक तो ये चीज है, अब इसको दूसरे तरीके से देखो, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखो और हम उसी तरह से ज्यादा किया करेंगे, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको ऐसे ही करेंगे तो वो ज्यादा इजी लगेगा। सब बच्चे ध्यान से समझ लीजिए, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इज 80% ऑफ y, x इज 80% ऑफ y। तो जो राइट साइड होता है मैं हमेशा इसी को सपोज कराता हूँ, मैं कहता हूँ y को आप सपोज कर लो 100, कि y मेरा 100 है। अब मुझे 100 का 80% बता सकता है कोई? 4/5। अरे 100 का 80% 80 है बेटे, 80 तो आएगा सिंपल, 4/5 की क्या जरूरत। अगर आप एक जगह 100%, 100 का मतलब 100%, तो अगर आपने y को 100 मान लिया तो दैट इज 100%, तो उसका 80% कितना होगा, 80। तो आप यही तो कह रहे हो कि x is 80% of y। अगर y के पास 100 रुपए हैं बेटे, अब इसी को क्वेश्चन को मैं चेंज करूंगा, बहुत जगह एग्जाम में, अगर y के पास 100 है तो इसका मतलब सिर्फ x के पास 80 है। तो अब दो तरह से हम इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि x y का कितना परसेंट है, x y का कितना परसेंट है, और हम पूछ सकते हैं y x का कितना परसेंट। तो अब यहां से आप परसेंटेज निकाल सकते हो, तो अगर आपको x की परसेंटेज निकालनी है, x is what percent of y, तो इसको हम कहते हैं जो अभी मैंने आपसे लिखा था x upon y into 100, तो आपके पास क्या आएगा 80/100 × 100, that is 80%। लेकिन अगर आपको कहना है कि नहीं y is what percent of x, तो y upon x into 100, so that is 125%, ये मतलब। इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो हम अगर अपने नंबर्स में सोच लें, वो तो हमने किया है, अगर हम नंबर्स में सोच लेंगे कि भाई अगर ये 100 है तो ये 80 है, तो 100/80 × 100, दैट इज आवर आंसर। अब देखो इसको क्वेश्चन को किस तरह से करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ए सैलरी इज 20% मोर देन बी, देन बी इज What percent less than A? ये बहुत क्वेश्चन आता है, किसी भी एंट्रेंस में देखें आप तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत। A salary is 20% more than B, then B is what percent less than A? कौन बताएगा?
16.67%। हाँ भाई, अगेन हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, अगेन हम क्या कह रहे हैं, ए सैलरी 20% मोर देन बी। तो हमने आपसे कहा था बेटे कि आप ये सपोज कर लीजिए कि बी की सैलरी है 100, बी की सैलरी क्या मान ली 100, तो ए की सैलरी कितनी हो गई, कोई बता सकता है? 20% मोर सर, 120। बस ये है बेटे, अगर बी की सैलरी 100 है तो ए की सैलरी 120 है। अब अगर आप बेटे रुपीज में बात करोगे तो दोनों का डिफरेंस सेम है कि ए के पास 20 रुपीज ज्यादा है, बी के पास 20 रुपीज कम है। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि ए क्या है, ए 20 ज्यादा है और बी क्या है 20 लेस है। लेकिन किससे, यहां हम कंपेयर कर रहे हैं, यहां हम कंपेयर कर रहे हैं विद बी और यहां हम कंपेयर कर रहे हैं विद ए, ये फर्क। तो होगा क्या, जो 20 है बेटे, ध्यान से समझ लीजिए, ये 20 है, ये बी का, क्योंकि बी से कंपेयर कर रहे हैं, बी का कितना परसेंट है 100 है ना, क्योंकि बी तो 20, 100 का 20% ही होगा। तो देख लीजिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज मोर देन बी, तो 20/100 × 100, तो अपॉन में बी को रखेंगे, अपॉन में रखेंगे बी को। लेकिन यहां अगर हमें देखना है लेस परसेंटेज देन ए, तो अपॉन में ए को रखना है, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। तो अभी भी आएगा तो हमारे पास 20, लेकिन ए से कंपेयर करने तो अपॉन 120 होगा इनटू 100, तो अब हमारे पास आएगा अपॉन 6, तो 50/3, तो वही जो अभी इन्होंने कहा था 16.66%। किसी को समझ में आई बात या नहीं आई, कि 20 ए का कितना परसेंट है और बी का कितना परसेंट है, दोनों अलग अलग चीजें, समझ में आ गया बेटे? नहीं समझ में आया, आवाज नहीं आ रही किसी की भी? सर आ गया समझ में, आ गया सर आ गया। गुड, चलो जी देव, तो ये बेसिक वाले क्वेश्चंस करेंगे आप। अब मैं एक दो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से ले लूं, बिल्कुल सेम है एज इट इज, ये हम समझेंगे तो वो वाले क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। चलो पहले ऐसे ही सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। असल में कल रेगुलर क्लास हो गई थी 3-4 और गला बैठ गया बिल्कुल, तो आपकी क्लास आते आते हिम्मत ही नहीं रही। ये बताओ, देखो एक एक लाइन में करना है जो भी आपको समझाया है टॉपिक, तो एक लाइन में क्वेश्चन करना है। ए मैन बाय ए साइकिल फॉर 1400 एंड सेल इट एट ए लेस ऑफ 15%। 1400 मेरा क्या है, कोई बताएगा? सीपी है, एसपी है? तो आप क्या करोगे, 100 से 100 कर दो, 14 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? समझ में आ गया या नहीं आया? अच्छा अच्छा, जरा अच्छा जरा दूसरे तरीके से सोचो, मुझे कितने परसेंट माइनस करना है? 15%। सब बच्चे जरा ध्यान से, बगैर पेन चलाए कर रहा हूँ मैं। 1400 का 10% कितना है? 140। शाबाश। और 5% कितना होगा फिर 140 का हाफ? 70। तो 140 और 70 कितना होगा? 210। अगर 1400 से 210 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1190। भाई सबको समझ में आया हमने क्या किया? Yes, जी बेटे, सबको समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. तो थोड़ा सा कोशिश कर, पहले क्वेश्चन में 2-4-5 मिनट लगेंगे, बट फिर ये चीजें समझ में आने लगी कि अच्छा हम ऐसे भी कर सकते, ठीक है? हमारे पास क्या है, जो हम कर रहे थे कि हमारे पास हम ऐसे कर रहे थे, 1400 हमारा कॉस्ट प्राइस है, इस पे हमें लॉस हो रहा है, 15%, 15% किसका, 1400 का, वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा।
तो एक तो मैंने आपसे डायरेक्ट कह दिया था कि 80% हो जाएगा, 85%, 85% of 1400 is equals to like this. तो 100 से 100, 14 5 जा 77 and 14 8 जा कितना होता भाई 112 और कितना आया था 7 119, तो 112 और 7 119, तो ऐसे. अदरवाइज हम उस तरह से देख सकते हैं कि 140 तो एक होना है और 140 का हाफ 78 होना है, तो 210 माइनस करना है 1400 में से, तो माइनस करके देखो. एक क्वेश्चन और लो जरा. चलो ये बताओ ये क्या है. इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल प्राइस इज. क्या मतलब है इसका? If there is a profit of 20% on the cost price, the percentage, option one. The percentage of profit is it on the sale prices. बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा है बेटे, ध्यान रख लीजिए. If there is a profit of 20% on the cost price, तो ये हमारा है cost price, ये हमारा है selling price, और ये हमारा है profit. जो अभी हम पढ़ रहे थे ऊपर वही है. तो profit हमारा 20% है. तो अगर 20% का क्या मतलब है, मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मान लूं, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? हाँ भाई 20 है ना. तो अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 है और प्रॉफिट 20 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120. तो आपसे यही कह रहा है कि 20 कॉस्ट प्राइस का तो 20% है, लेकिन 20 सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है? ये क्वेश्चन है. 24 सर. आगे समझ में 24 कैसा आएगा बेटे? तो 1 सर 120 का 20% तो वही है 2/3%. 120 का 20% नहीं निकालना है, ये कह रहा है कि 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120. ओके ठीक है ना. तो अब आप कैसे निकालोगे 20 by 120 into 100 है ना जी सर. समझ. अगर अगर आपको बेटे सेलिंग प्राइस का परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ आपको सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा. और अगर आपको कॉस्ट प्राइस का निकालना है, तो 20 by 100 into 100, तो फिर यहाँ आपको कॉस्ट प्राइस रखना पड़ेगा. आ गया समझ में? Yes, तो आप लोग सब बच्चे दो दो चार चार दस दस क्वेश्चन कर लो, नमाज पढ़ो आराम से असर और मगरिब, और फिर मगरिब की क्लास के नमाज के बाद फिर इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करो दोनों टॉपिक. कम से कम 5-5, 10-10 क्वेश्चन तो कर ही लो दोनों के, ठीक है? परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस. फिर इसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑब्जेक्ट डिसऑनेस्ट सेलर वाले, तो उस तरह के क्वेश्चंस पे इंशाल्लाह डिस्कस करें, ठीक है? चलिए इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम.